Hi friends, welcome back to Everstudy Classes. Aaj ke 5-minute series ka topic hai a very commonly observed effect in individuals while performing in a group, and that effect is Ringelmann Effect. Along with these series, if you need more preparation help and tips, do visit our website www.everstudy.co.in. आपने कई बार नोटिस किया होगा, ग्रुप का साइज इंक्रीज होता है एंड इंस्टेंट की एफिशिएंसी इंप्रूव हो वो डिक्रीज हो जाती है. दिस इज नोन एज द रिंगलमैन इफेक्ट. इट इज द टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टू बिकम इंक्रीजिंगली लेस प्रोडक्टिव एज द साइज ऑफ देयर ग्रुप इंक्रीजेस. ये इफेक्ट डिस्कवर किया था फ्रेंच एग्रीकल्चरल इंजीनियर मैक्सिमिलियन रिंगलमैन ने. This effect illustrates the inverse relationship that exists between the size of a group and the magnitude of group members' individual contribution to the completion of task. According to Ringelmann, groups apne full potential pe nahi pahunchti due to various interpersonal processes, jisse group ki overall ability diminish ho jati hai. Unhone do source identify kiye hain jisse productivity of a group affect hoti hai. One is loss of motivation, other one is coordination problem. Motivation loss is social loafing hai, individual ke efforts mein reduction while working in a group as compared to when they work alone. Ringelmann ke hisab se group members ek dusre pe rely karte hain ki jo bhi expected efforts and performance needed hai wo dusre members pura kar lenge. सोशल लोफिंग की इसी प्रॉब्लम की लेवल को कम करने के लिए देयर आर फ्यू सॉल्यूशंस. वन इज इंक्रीजिंग आइडेंटिफाइबिलिटी. जब इंडिविजुअल्स को फील होता है कि उनके आइडियाज एंड आउटपुट को इवैल्यूएट किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, देन दे आर मोटिवेटेड टू एक्सर्ट ग्रेटर एफर्ट टुवर्ड्स द ग्रुप टास्क. दिस इज बिकॉज इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एंड अलर्ट हो जाते हैं अबाउट बींग इवैल्यूएटेड बाय अदर्स, इन टर्न इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. वही अगर वो अनोनिमसली परफॉर्म करेंगे तो उन्हें प्रेशर फील नहीं होगा कि कोई गलती हो सकती है, या फिर देयर विल बी नो फियर ऑफ बीइंग इवैल्यूएटेड बाय अदर्स, एंड दैट विल लीड टू सोशल लोफिंग एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी. दूसरा सॉल्यूशन है मिनिमाइजिंग फ्री राइड. इंडिविजुअल्स हु एग्जिबिट सोशल लोफिंग टिपिकली स्टैंडर्ड्स में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है दैट अदर्स विल मेक अप फॉर दिस लैक. इसीलिए इंडिविजुअल्स को फील करवाना चाहिए कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एसेट टू द ग्रुप. पर्सनल रोल्स का विद इन ग्रुप परसीव्ड इंपॉर्टेंस बढ़ाने से मेंबर्स टेंड टू वर्क हार्डर टुवर्ड्स अचीविंग ग्रुप गोल्स. दूसरा सॉल्यूशन है सेटिंग गोल्स. अकॉर्डिंग टू हार्किंस एंड सिमंस की ग्रुप्स जो क्लियर एंड एक्सप्लिसिट गोल्स एस्टैब्लिश करते हैं, दे टेंड टू आउट परफॉर्म ग्रुप्स जिनका कोई ऑब्जेक्टिव या गोल सेट ही नहीं है. डेफिनेट गोल सेट करने से इट इज बिलीव टू स्टिम्युलेट एन एरे ऑफ प्रोडक्शन एनहैंसिंग प्रोसेसेस, जिससे कमिटमेंट बढ़ती है ग्रुप में, प्लानिंग अच्छे से होती है, मॉनिटरिंग अच्छे से होती है, इन टर्न एफर्ट भी जो लगाए जाते हैं वो इम्प्रूव्ड होते हैं. ग्रुप गोल्स क्लियर होने के साथ दे शुड बी चैलेंजिंग टू, which requires full collaboration from all the group members. And then another solution is increasing involvement. Another option to reduce social loafing is to simply increase how involved group members are with the task or goal at hand. ये किया जा सकता है by turning the task into a friendly competition between the group members, या फिर rewards and punishment attach किए जा सकते हैं to the task, डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप एज अ होल. अनदर सोर्स जो ग्रुप की प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करती है, इट इज लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन. जब इंडिविजुअल्स एक ग्रुप में आते हैं टू परफॉर्म अ टास्क, उनका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है ऑन इंडिविजुअल रिसोर्सेज लाइक टैलेंट, स्किल, एफर्ट्स, और डिपेंड करता है ऑन वेरियस इंटरपर्सनल प्रोसेसेस एट वर्क विद इन द ग्रुप. इवन इफ ग्रुप मेंबर्स के पास रिक्विजिट एबिलिटीज एंड एक्सपर्टीज है, they may fail to coordinate their efforts in a productive way. According to Steiner, groups ke beech mein coordination problems are a function of demand of the task to be performed. That is, agar wo unitary task hai, matlab sub tasks mein toda nahi ja sakta individual members ke liye, and
सक्सेसफुल होने के लिए आउटपुट मैक्सिमाइजेशन चाहिए एंड ऑल्सो रिक्वायर्स इंटरडिपेंडेंस अमंग द मेंबर्स टू यील्ड अ ग्रुप प्रोडक्ट. इन दैट केस पोटेंशियल परफॉर्मेंस ग्रुप का डिपेंड करेगा मेंबर्स की एबिलिटी पे टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर. एक ऑप्टिमल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के बाद द एफिशिएंसी ऑफ अ टीम घट जाती है एज इट्स साइज इंक्रीजेस टू द एक्सटेंट दैट अ स्मॉल ग्रुप कैन बी मोर प्रोडक्टिव दैन अ लार्जर वन वर्किंग ऑन द सेम टास्क. एज अ रिजल्ट रिंगलमैन इफेक्ट की वजह से डिटरमाइनिंग एप्रोप्रिएट साइजेस फॉर वर्क ग्रुप्स कैन बी चैलेंजिंग. अब जब ऑप्टिमल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे टीम में इट्स देन ओनली प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज होगी. So it is suggested to establish Jeff Bezos' large pizza rule for forming a team. Iska matlab hai, as a manager, make sure your team can be fed with just one large pizza. Aur agar ek pizza se zyada lag raha hai, it means your team isn't the optimal size and uske members na hi properly perform kar rahe hain, na hi properly coordinate kar rahe hain. So, अगर टीम साइज रिड्यूस नहीं की जा सकती देन देर आर थ्री की इनिशिएटिव्स जो हर मैनेजर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए टू मैक्सिमाइज देयर टीम्स प्रोडक्टिविटी एंड अवॉइड रिंगलमैन इफेक्ट. तो पहला इनिशिएटिव इज स्किप द ऑल स्टार टीम. दैट इज इंश्योरिंग कि सिंगल टीम में सारे बेस्ट परफॉर्मर्स ना हो बिकॉज रिसर्च सजेस्ट्स परफॉर्मर तब ही अच्छा काम करते हैं जब उन्हें लगता है कि टीम में दूसरे लोग ठीक से काम नहीं कर सकते हैं. तो बेस्ट परफॉर्मर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं टू पुल द प्रोडक्टिविटी ऑफ द टीम अप. वही अगर सारे स्टार परफॉर्मर्स हुए टीम में देन इट विल रिजल्ट इनटू सोशल लोफिंग. नेक्स्ट इनिशिएटिव एज वी सॉ इज इंक्रीजिंग आइडेंटिफाइबिलिटी. क्योंकि पीपल आर कंसर्न्ड विद हाउ अदर्स इवैल्यूएट देम and therefore when people's own name and identity is tied to specific part of a project wo zyada effort dalte hain us kaam ko acche se karne ke liye. And the third key initiative is change how the work is presented. Work ko manageable size mein divide kiya jaye jo kuch dinon mein pura kiya ja sake. Due to this every time a part of work is completed feeling of accomplishment arises जो कि मोटिवेट करता है टू इफेक्टिवली वर्क ऑन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द टास्क. एंड द मैनेजर विल ऑल्सो बी एबल टू मेजर ईच कोवर्कर्स एफर्ट एंड वर्क प्रोडक्ट. तो रिंगलमैन इफेक्ट को डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है बट टीम प्रोडक्टिविटी अगर डिक्रीज होती हुई दिखे इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक करेक्टिव मेजर्स एंड क्विकली इम्प्लीमेंट वन ऑफ दीज थ्री स्ट्रैटेजीज इन ऑर्डर टू अवॉइड इट. So here's the practice question for today's topic. Thank you so much friends for watching this video. Do stay connected with us through our learning app, Facebook or Telegram for more preparation tips and tests. And kisi bhi query ke liye you can either mail us or you can call us. All the best.